हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक के एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और 11,600 के ऊपर अगर जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी, बुलिश हो जाएगा निफ्टी, और 11,800 एंड 11,900 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है निफ्टी में। आज अगर आपने देखा 11,600 के ऊपर सस्टेन जैसे ही करने लगा, उसके बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली। 11,672 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, सो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको हुआ होगा। अगर आपने 11,600 के ऊपर बाई किया है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया होगा इंडेक्स में। अब यहाँ से व्यू बुलिश है, 11,800 एंड 11,900 तक के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में, तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 11,800 11,900। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था 22,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 22,500 के ऊपर जैसे निकलेगा वापस इसमें भी हमें एक बुलिश अपो हमें देखने को मिल सकता है। मैंने आपको क्लियरली बताया था वीडियो में, आप मेरा लास्ट दो तीन वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्लियर व्यू दिया था इंडेक्स में, दोनों में क्लियरली लेवल के हिसाब से आपको बुलिश व्यू दिया था। बैंक निफ्टी में भी आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। अगर आपने बैंक निफ्टी इंट्राडे में 22,500 के ऊपर बाई किया है तो आपको बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा। बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है, और 23,000 एंड 23,500 ये टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। यहाँ से 500-600 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, 23,500 तक के टारगेट पॉसिबल लग रहे हैं बैंक निफ्टी में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया भी था बैंक निफ्टी में 500-1000 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है, और आज अगर आप देखो 500 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला है, और यहाँ से 500-600 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है। 23,500 तक के टारगेट्स लग रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो इसमें भी आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको पीवीआर सेल दिया था, पीवीआर में आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने आपको सेल दिया था 1266 के नीचे, उसके बाद 1245 तक जाके आई है। सो अगर आपने पीवीआर सेल किया तो इसमें आपको इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा। एमजीएल मैंने आपको सेल दिया था, एमजीएल में भी इंट्राडे में आपको काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने एमजीएल आपको सेल दिया था 852 के नीचे और 845 तक जाके आई है, इसमें भी आपको 7-8 रुपये का इंट्राडे में प्रॉफिट मिला होगा। ग्लेनमार्क फार्मा मैंने आपको बाय दिया था 499 के ऊपर, ये बाय करने के बाद 505 तक गया और उसके बाद ये नीचे आया है, तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। अगर आपने इसमें फास्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है तो इसमें प्रॉफिट भी किया होगा, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा आरईसी। आरईसी का स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे सेलिंग जरूर आया है और रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहा था, लेकिन फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसमें, और आज इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है और 100 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ से मुझे लगता है इसमें 2-3 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, 104-105 तक के टारगेट के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। सो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन आरईसी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, इसमें हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक होगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का भी स्ट्रक्चर सेम है, इनफैक्ट बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू आरईसी, और बजाज फिनसर्व मुझे लगता है यहाँ से 6,200 तक के लेवल दिखा सकता है। सो बजाज फिनसर्व भी काफी अच्छा बाय रहेगा, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा रामको सीमेंट। रामको सीमेंट में एक काफी क्लासिकल पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखो प्योर वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है इसमें। अगर ये 770 के ऊपर निकलता है तो पोजिशनली काफी अच्छा बाय हो जाएगा 800 एंड 820 के टारगेट के लिए। सो रामको सीमेंट आप इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हो और पोजिशनली भी बाय कर सकते हो, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन रामको सीमेंट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया है और कौन से स्टॉक में आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया है। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है यूट्यूब में, और ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हुआ है। सो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, जैसे ही मेरा मोनेटाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस, उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थैंकिंग टू ऑल ऑफ यू, और एक बिग अनाउंसमेंट भी होगा उस वीडियो में जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल में बने रहिए, क्योंकि एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट किया है, इसलिए मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा और हम साथ में ग्रो करेंगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए ताकि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।